कक्षा 10 के बालक और बालिकाएं, कल मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति संबंधी कार्तीय तल के बारे में कुछ बिंदुओं की स्थिति बताया था। अब हम चल रहे हैं बताने आपको कि अगर कार्तीय तल पर दो बिंदु, आप ध्यान दीजिएगा, कल आपको कार्तीय तल की परिभाषा बताई गई थी कि जिस तल पर एक्स और वाई दो अक्ष होते हैं वही कार्तीय तल होता है। तो इस कार्तीय तल में आपके दो बिंदु पी और क्यू दिए गए हैं। देखिए यहाँ दो बिंदु लिखे गए हैं पी और क्यू। पी का निर्देशांक एक्स वन वाई वन, मतलब भुज एक्स वन कोट वाई वन। इसी तरह से क्यू बिंदु का निर्देशांक एक्स टू वाई टू है। अब आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट। चाहे आप ऐसे कहिए, चाहे कहिए अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा रहेगा। अब इसी को कैसे निकाला जाएगा, इसको देखिए। पहले आप P को x अक्ष से मिला दीजिए, वही काम Q के लिए भी करिए, इन दोनों के वो इससे मिला दीजिए। मिलाने के बाद बिंदु P से इस रेखा पर आप डाल दीजिए लंब, और लंब डालने के कारण यहाँ बनेगा 90 अंश का कोण। और जब किसी त्रिभुज में 90 अंश का कोण एक हो जाता है तो उसको राइट ट्रायंगल मींस समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ये आपका हुआ समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये में पी और क्यू दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। अगर आप किसी सूरत से, किसी तरीके से इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकाल ले गए तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात कर ले जाएंगे। अब यहाँ से जो P बिंदु से इस पर आप लंब डाले हैं, यहाँ आप फ्री हैं, कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, ए बी सी डी कोई अक्षर। अब देखिए आपको ये पी आर दूरी चाहिए, पी आर और क्यू आर, यही दो दूरियां आपको चाहिए। और पी आर दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए इधर नीचे ये दूरी पकड़िए, यहां से इतना पकड़िए, यहाँ से ये आपका मूल बिंदु है वो जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकाल ले जाए चित्र देख के, इसके बाद उसमें से ये इतना घटा दीजिए, इतना जब घटा देंगे तो ये दूरी आपको मालूम हो जाएगी। अब ये दूरी निकालने के लिए आप क्या करिए, पहले देखिए यहाँ निर्देशांक लिखा गया एक्स टू, एक्स टू का मतलब मूल बिंदु से यहाँ तक चली गई दूरी, जहाँ हमारी दोनों उंगली है इसके बीच की दूरी एक्स टू है। आप बेहतर लिख सकते हैं यहाँ एक्स टू, ये पूरी दूरी हो गई एक्स टू। अब आपको इतना दूरी और चाहिए, अगर इतना दूरी मिल जाती है तो आप इतने में से इतना घटा देंगे, तुरंत आपका पी आर मालूम हो जाएगा। तो इतना निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ देखिए पी बिंदु का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, मतलब आपको चाहिए भुज, और यहाँ इसका भुज है एक्स वन, इतना दूरी ये एक्स वन है, ये एक्स वन है। अब आप पूरे में से एक्स वन घटा दीजिए, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये आपका निकल गया
ये एक्स टू माइनस एक्स वन निकल गया जो हुआ आपका पी आर। पी आर एक्स टू माइनस एक्स वन निकल गया। अब आपको चाहिए क्यू आर। क्यू आर निकालने के लिए देखिए चित्र, इतना दूरी में से आप क्या करिए, इतना घटा दीजिए और जब पूरी दूरी में से ये दूरी निकाल देंगे तुरंत ये आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इस क्यू बिंदु पर कोट आपकी वाई टू है, मतलब यहाँ से ये चली गई दूरी, ये चली गई दूरी वाई टू है। अब जब आपको पूरी दूरी मालूम हो गई, इस पूरी दूरी में से इतना आप निकाल लेंगे, मतलब यहाँ देखिए P का कोट देखिए y1 है, मतलब यहाँ से ये चली गई दूरी y1 है। अब ये आपकी दूरी हो गई y1, ये y1 हुई। अब इसी y2 में से आप इतना y1 घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी QR y2 माइनस y1। अब ये आपका हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, ये दूरी हो गई इतनी। अब आप लिख सकते हैं क्यू आर बराबर वाई टू माइनस वाई वन। अब देखिए जो त्रिभुज आपका है पी क्यू आर, ये समकोण त्रिभुज हुआ और समकोण त्रिभुज में आपको आधार और लंब दोनों मालूम हो गया। अब जो पाइथागोरस प्रमेय आपकी है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के, बिल्कुल इसी फार्मूला से आप चलिए। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पे क्यू आर में कोण आर बराबर 90 अंश, इसलिए कर्ण पकड़िए आप पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग पी आर स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग क्यू आर स्क्वायर। अब आपको कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे आप केवल दोनों मान रख दीजिए। अब आप देखिए पी आर का मान यहाँ निकाला गया है, पी आर एक्स टू माइनस एक्स वन है, यहाँ लिखिए आप एक्स टू माइनस एक्स वन। ध्यान दीजिएगा ये पी आर का मान है, ये मान सिर्फ पी आर का है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस क्यू आर का मान वाई टू माइनस वाई वन है। अब आप क्या करिएगा, यहाँ लिख दीजिए क्यू आर का मान वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब ये हुआ पी क्यू स्क्वायर। अब आपको मान क्या चाहिए, पी क्यू का मान चाहिए। अब दो घात से एक घात का मान आपको निकालना है, तुरंत आप अपनी कर्णी लगा दीजिए स्क्वायर खत्म करके। देखिए पी क्यू बराबर इसी का वर्गमूल आप लगा दीजिए अंडर रूट। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब ये मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी जबकि दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए गए हों बताया। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न चलेंगे। अभी आपको उदाहरण के तौर पर आपके किताब की एक्सरसाइज से
चल रहा हूँ, दो एक वैसे चल रहा हूँ, इसके बाद फिर किताब से। देखिए जैसे चालू है ना, बिंदु तीन दो और चार छः, मान लीजिए कि ये आपका P बिंदु है, ये Q बिंदु है। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ आपको निकालनी है। बिल्कुल आप फार्मूले का प्रयोग करिए कि दो बिंदुओं PQ के बीच की दूरी बराबर x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब आप फार्मूले लिखिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, यानी PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब कर ली। आप देखिए जो पहला बिंदु दिया गया है उसमें आपका जो पहला मान x है वो x1 और जो दूसरा मान है वो y1, इसको आप पहले लिख लीजिए। ये जो है x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। अब इतना लिखने से आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी, जब फार्मूले में x1 y1 x2 y2 आएगा तो उसको आप आसानी से पहचान जाएंगे। देखिए जहाँ भी x1 आएगा वहाँ आप तुरंत उठा के तीन लिख दीजिए, जहाँ y1 आएगा वहाँ दो लिख दीजिए, जहाँ x2 आएगा वहाँ चार लिख दीजिए, जहाँ y2 आएगा वहाँ छः लिख दीजिए। अब इस तरह से आप आइए अपने फार्मूले पर। फार्मूला आपका कहता है कि पहले x2 चाहिए। आप देखिए ढूंढिए इसमें x2 आपका चार है, यहाँ लिखिए चार, माइनस x1, x1 यहाँ देखिए आपका तीन है, यहाँ लिखिए तीन। अब इसको कर दीजिए होल स्क्वायर। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, देखिए y2, यहाँ y2 आपका छः है, यहाँ छः लिख दीजिए, माइनस y1, y1 यहाँ आपका दो है, यहाँ दो लिख दीजिए, और लिख करके स्क्वायर। अब इसी को घटा के स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल दीजिए। अब देखिए चार में से तीन घटाएंगे, एक आएगा एक का स्क्वायर प्लस छः में से दो घटाएंगे चार आएगा और चार का स्क्वायर। अंडर रूट, अब एक का स्क्वायर हो गया एक, चार का स्क्वायर हो गया सोलह, चार चौक सोलह, अंडर रूट। अब सोलह एक हो गया सत्रह, ये हो गया कर्ड़ी में सत्रह। अब चूंकि सत्रह वर्गमूल निकलेगा नहीं इसलिए आप इसको ऐसे ही लिखे, लेकिन चूंकि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है इसलिए इसमें यूनिट देना आपको ज़रूरी है। अब यूनिट दी नहीं गई है इसलिए आप लिखिए इसके आगे इकाई, इतना इकाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई।